Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today I have come up with the play Candida by George Bernard Shaw. So viewers, आज हम Candida को पढ़ेंगे जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई एक प्ले है और ये प्ले लिखा गया था 1894 में और उसे पब्लिश किया गया था 1898 में एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसे परफॉर्म किया गया था 1894 में. और ये जो है एक प्ले है जो कि थ्री एक्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये एक सीरियस कॉमेडी है जिसकी सेटिंग लंदन में रखी गई है और इसकी थीम है फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक विमन. तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं. कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है कैंडिडा. कैंडिडा एक हाउसवाइफ है और इन्हीं के नाम से टाइटल दिया गया है कैंडिडा प्ले का. कैंडिडा के हस्बैंड का नाम है जेम्स मॉरेल और जेम्स मॉरेल एक क्लर्जीमैन है. कैंडिडा एक हाउसवाइफ है और अपने काम से बहुत ही ज्यादा वो खुश रहती है और जेम्स मॉरेल एक क्लर्जीमैन है, बहुत ही अच्छे गुड स्पीकर है चर्च में और बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी स्पीच के लिए. फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख लेते हैं मिस्टर बर्गेस. मिस्टर बर्गेस कैंडिडा के हस्बैंड है और हमेशा जेम्स और बर्गेस के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसी. प्रोसी जो है जेम्स मॉरेल की सेक्रेटरी हैं. फिर नेक्स्ट देखते हैं रेवरेंड अलेक्जेंडर. रेवरेंड अलेक्जेंडर भी एक क्लर्जीमैन है, अनदर क्लर्जीमैन, बेस्ट नोन फॉर हिज पेट नेम दैट इज लेक्सी और ये जो है मॉरेल के फॉलोवर हैं. और यूजिन मार्चबैंक्स. यूजिन मार्चबैंक्स एक 18 ईयर का लड़का है और एक रोमांटिक पोएट है. तो चलिए अब हम स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं. स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है. मॉर्निंग का समय यहाँ पर दिखाया गया है और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो कैंडिडा प्ले है ये पूरी एक ही दिन की स्टोरी है जहाँ पे तीनों एक्ट को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है, फिर सेकेंड एक्ट में आफ्टरनून और फिर नाइट में थर्ड एक्ट यानी क्लाइमेक्स को कर दिया गया है. तो अभी हम मॉर्निंग के समय देखते हैं कि जेम्स मॉरेल अपनी सेक्रेटरी प्रोसी के साथ जो है काम कर रहे हैं. जेम्स मॉरेल कुछ लेटर्स को पढ़ रहे हैं और प्रोसी भी वहीं पे बैठकर काम कर रही हैं और प्रोसी अपने बॉस मॉरेल को बताती हैं उनके शेड्यूल के बारे में और उन्हें बताती है कि उन्हें इनवाइट किया गया है स्पीच के लिए बाय हक्सटन फ्रीडम ग्रुप एड्रेस करने के लिए. हक्सटन फ्रीडम एक ग्रुप है जहां पर मॉरेल को इनवाइट किया गया है स्पीच के लिए. बट जेम्स प्रोसी को बताते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं इस वीक में और वो उन्हें डे पूछते हैं. तो वो बताती है कि संडे आपको हक्सटन ग्रुप को जाना पड़ेगा. तो वो बोलता है कि नहीं, मैं संडे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे चर्च में स्पीच के लिए जाना है और चर्च में स्पीच बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि ये वाला. तो फिर वो उन्हें पूछता है प्रोसी को कि आप कोई और डेट बताइए. तो प्रोसी कहती है कि आप तो पूरे होल वीक ही आप जो है बिजी रहते हैं. बट वो एक डे बताती है जहाँ पर उसे डिनर के लिए बुलाया गया है. तो जेम्स बोलता है कि डिनर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, डिनर वाला जो डे है जो मुझे डिनर के लिए इनवाइट किए गए हैं उस डे आप मुझे इस ग्रुप को एड्रेस करने के लिए सेट कर दीजिए. वहाँ पे मेरा नाम वहाँ पे डाल दीजिए जहाँ पर मुझे हेक्सटन फ्रीडम ग्रुप्स को जाना है और मैं डिनर को उस दिन नहीं जाऊँगा. तो प्रोसी कहती है ठीक है. इतने में हम देखते हैं कि रेवरेंड अलेक्जेंडर यानी कि लेक्सी जो कि फॉलोवर हैं मॉरेल के, वो आते हैं और बताते हैं कि शायद आपको याद है या नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आज आपकी वाइफ आने वाली है जो कि बाहर गई ही हुई थी और वो दो दिन के लिए आने वाली है क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो गई है. तो वो कुछ वार्म क्लोथ्स यहाँ पर लेने के लिए आई हैं. तो फिर मॉरेल को बहुत बुरा लगता है कि अरे वो तो इस बारे में भूल ही गया था और फिर जो है लेक्सी के बताने पर ही उसे वो चीज़ याद आई है. तो फिर हम देखते हैं कि रेवरेंड अलेक्जेंडर और एक न्यूज़ लेकर आता है किनके पास, मॉरेल के पास, कि जो है आपके ससुर जी जिनका नाम मिस्टर बर्गेस हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं सीक्रेटली, मतलब अलोन, सबके सामने नहीं, वो उनसे सीक्रेट एक मीटिंग चाहते हैं. तो मॉरेल बहुत यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि मेरे ससुर जी मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले उनके और मेरे बीच में क्लैशेस आ गए थे क्योंकि बर्गेस जो है वो उतना खास आदमी जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, नाम एंड फेम के पीछे भागता है. इस करके मॉरेल उन्हें नहीं पसंद करता था. बट फिर भी वो सोचता है कि अगर वो इतने साल बाद उन्हें मिलने आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो जब ये सब कुछ चलता रहता है तो फिर जो है मॉरेल रेवरेंड को बताते हैं, रेवरेंड अलेक्जेंडर को, कि कैंडिडा जो है बहुत ही अच्छी वाइफ है मेरी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
तुमसे कि तुम भी कैंडिडा जैसी कोई लड़की को ढूंढकर शादी कर लीजिए। ये इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसे पता चलता है कि मॉरेल अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट अपने बिजी शेड्यूल में वो उसे शो नहीं कर पाता है। और कैंडिडा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैंडिडा इन सबको वो एक्सेप्ट कर लेती है, और उसे भी पता है कि मॉरेल उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और हम देखते हैं कि कैंडिडा और मॉरेल जो है वो एक मिडल एज्ड जो है लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, मिडल एज्ड कपल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है कैंडिडा की एंट्री हो जाती है, कैंडिडा आ जाती है, और मॉरेल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, और कैंडिडा बताती है कि किस वजह से वो यहाँ पर आई है, और मॉरेल उन्हें सॉरी पूछता है कि उनके बिजी शेड्यूल में उन्हें याद ही नहीं रहा कि कैंडिडा को उन्हें रेलवे स्टेशन को जाना था कैंडिडा को लेने, बट कैंडिडा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडा कहती है कि डोंट वरी, मैं जो है यूजिन मार्चबैंक के साथ आ गई हूँ, और आप एक काम कीजिए, टैक्सी वालों को जो है पैसे दे दीजिए बाहर जाकर, और वहीं पर यूजिन मार्चबैंक से उनसे आप मिल लीजिए। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है यूजिन मार्चबैंक्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट है यहाँ पर, और वो सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स का लड़का है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मिस्टर बर्गेस और जो है मॉरेल के बीच में बातचीत यहाँ पे कुछ देर के लिए दिखाई गई है, कि जो मिस्टर बर्गेस है वो मॉरेल को बोलता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ था कुछ सालों पहले, मैं उसके लिए आपको माफ करता हूँ। तो मॉरेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मॉरेल कहता है कि आप मुझे माफ करोगे, हमारे बीच में जो भी हुआ था उसमें मिस्टेक आपकी थी। तो मिस्टर बर्गेस कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप ही मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर बर्गेस उनसे क्यों इतनी अटैचमेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी पता चला है कि मॉरेल का प्रमोशन हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बर्गेस एक ग्रीडी आदमी है जो कि बहुत ही डिसऑनेस्ट है, और वो हर जगह अपना फायदा ढूंढता है। तो मॉरेल अब जो है प्रमोशन हो गया है मॉरेल का, तो वो उनके नजदीक जाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजिन मार्चबैंक्स और मॉरेल की मीटिंग होती है यहाँ पर, और जो है यूजिन मार्चबैंक्स उनके घर में एंट्री लेता है, और फिर कैंडिडा जो है वो सभी से मार्चबैंक्स को मिलाती है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर मिस्टर बर्गेस इम्प्रेस होते हैं मार्चबैंक्स से, क्योंकि मार्चबैंक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं एक ये बहुत ही रिच फैमिली से, वेल टू डू फैमिली से दिखाए गए हैं। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैंडिडा जैसे ही घर को आती है तो अपने वो काम काज में लग जाती है, और वो देखती है कि घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से ये बाहर गई हुई थी, और वो जो है जैसे हाउस वाइफ करते हैं उसी तरह हर चीज को जो है सेट करने में लग जाती है। और वो देखती है कि बहुत ज्यादा घर जो है बिखरा हुआ है, और सबको वो सेट करने में लग जाती है, और क्लीनिंग करने लगती है, और सब कुछ जैसे हाउसवाइफ करती हैं, और ये सब कुछ जो है ऑब्जर्व करने लगता है यूजिन मार्चबैंक्स। और यूजिन मार्चबैंक को बहुत ही बुरा लगता है कैंडिडा को इस तरह से काम करते हुए देखकर, और यूजिन मार्चबैंक्स कहीं ना कहीं सीक्रेटली कैंडिडा को पसंद करता है। देखिए एज गैप मार्चबैंक्स और कैंडिडा के बीच में बहुत है, बट जैसे ही हम बोलते हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो मार्चबैंक्स जो है कैंडिडा से प्यार में पड़ जाता है, और चाहता है कि कैंडिडा को ये सारे काम नहीं करने चाहिए। ये सारे काम मतलब जैसे हाउसवाइफ करते हैं कि वेजिटेबल्स कट करना, और जो है चिमनी में जो है गैस जो पैराफिन ऑयल रहता है वो डालना, तो ये सारे जो हाउसवाइफ काम करते हैं, मार्चबैंक्स को लगता है कि कैंडिडेट को वो सब नहीं करने चाहिए। इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, और जो है मॉरल यूजिन मार्चबैंक से कहता है कि आप लंच कर कर ही जाना, और कुछ दिन हमारे घर में रुक जाइए। तो यूजिन मार्चबैंक्स बोलता है कि तुम अपनी वाइफ कैंडिडा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, उसे ये सारा काम लगाकर। तो ये दोनों के बीच में जो है कुछ अनबन हो जाती है, और उतने में यूजिन मार्चबैंक कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर खाना नहीं है, बट कैंडिडा जब उसे फोर्स करती है कि तुम रुक जाओ यहीं पे और लंच कर कर जाना, तो फिर वो मान जाता है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्ट खत्म होता है। अब जब आफ्टरनून में हम देखते हैं कि सेकेंड एक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मार्चबैंक्स को खाने के लिए इनवाइट किया गया था लंच के लिए, और वो वहाँ पे लंच करते हैं, और वो लंच तक सब कुछ ऑब्जर्व करता है जो कैंडिडा वहाँ पर करती है, और इन्हें यूजिन मार्चबैंक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि हमें लेटर ऑन पता भी चलता है कि जो प्रोसी है, प्रोसी मॉरेल को कहीं ना कहीं चाहती है, बट क्योंकि मॉरेल ऑलरेडी मैरिड है तो फिर वो उस चीज की रेस्पेक्ट करती है, और कैंडिडा को भी वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, और दोनों के लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो सीक्रेटली मॉरेल को पसंद करती है। बट मॉरेल के तरफ से यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, मॉरेल कैंडिडा को ही पसंद करता है, बट उसे शो नहीं कर पाता है उसके बिजी शेड्यूल में।
फिर हम देखते हैं कि यूजिन मार्चबैंक्स बहुत ही ज्यादा रूड हो जाता है मॉरेल से, तो फिर यहाँ पर जो है यूजिन मार्चबैंक्स को बताता है कि तुम कैंडिडा को छोड़ दो और मैं कैंडिडा से शादी कर लूंगा। मॉरेल को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन मार्चबैंक्स को जो है गेट आउट करके बोल देता है घर से। तो फिर यूजिन मार्चबैंक्स बोलता है कि अगर कैंडिडा मुझे जाने के लिए कहेगी तो मैं जाऊंगा, आपकी मैं यहाँ पर नहीं सुनूंगा। तो फिर मॉरेल कहता है कि ठीक है, तुम एज में बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। हम एक काम करते हैं कि हम कैंडिडा से ही कहते हैं कि वो किन्हें चूज करेगी, या वो अपने हस्बैंड को चूज करेगी यानी कि मैं मॉरेल को, या फिर वो आपके साथ जाना पसंद करेगी। तो यूजिन मार्चबैंक्स बोलता है कि ऑफकोर्स वो मेरे साथ ही आएगी। तो फिर उतने में कैंडिडा आ जाती है और इन दोनों की बातें सुनती है, और कैंडिडा जो है कुछ हद तक यहाँ पर 2 या 3 मिनट वो सोचती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और पूछती है कि क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। तो मॉरेल बताता है कि यूजिन मार्चबैंक्स आपसे शादी करना चाहते हैं। उतने में मार्चबैंक्स कैंडिडा को बताता है कि हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मॉरेल है वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। आप इतनी सुंदर लेडी हो, आप डिजर्व नहीं करती हो कि ये सारे काम आप करो। तो कैंडिडा कहती है कि मैं इन सारे काम से खुश हूँ। तो फिर यूजिन कहता है कि नहीं, आप खुश नहीं है, मजबूरी में ये सारे काम कर रही हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे कुछ भी काम नहीं करवाऊंगा। तो इस पर कैंडिडा को हंसी आ जाती है, क्योंकि यूजिन मार्चबैंक्स एक छोटा लड़का है, अब उसे कैसे समझाए कैंडिडा को समझ में नहीं आ रहा है। बट यूजिन मार्चबैंक्स उन्हें बताता है कि आप चूज कीजिए, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो आपको फायदे ही फायदे होंगे। ऐसे करके वो बोलता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, अगर आप बूढ़ी भी हो जाओगी तो आपकी मैं सेवा अच्छे से करूंगा, बट मॉरेल और आप में ज्यादा गैप नहीं है, तो फिर आप एकदम बूढ़े हो जाओगे तो फिर एक दूसरे की टेक केयर कैसे करोगे। लाइक दिस वो मार्चबैंक जो है कैंडिडा को बोल रहा है कि आप इनडायरेक्टली बता रहा है उनको कि मेरे से शादी करने में ही आपको फायदा है। तो फिर कैंडिडा के ऊपर डिसीजन है, बट कैंडिडा एक बहुत अच्छी लेडी है और वो अपना डिसीजन वहां पर ज्यादा समय ना लेते हुए सुना देती है, और वो बोलती है कि यूजिन मार्चबैंक सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं अपने हस्बैंड को ही यहाँ पर चूज करूंगी। तो जबकि कैंडिडा ने खुलकर कह दिया है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती है एज ए गुड वाइफ, तो मार्चबैंक समझ जाता है और निराश होकर घर से चला जाता है, और यहाँ पर जो है कैंडिडा की स्टोरी खत्म हो जाती है। विवर्स स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि ऑलरेडी मैरिड है वो अपने हस्बैंड को ही एंड में चूज करती है, वो एक बेस्ट पार्ट है इस कैंडिडा का। कैंडिडा जो है एक प्ले है जो कि ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल होते हुए भी हम देखते हैं कि जो पहले कपल थे यानी कैंडिडा और मॉरेल, यही दोनों लास्ट तक एक रहते हैं, और यूजिन मार्चबैंक्स को बता देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड को ही चूज करूंगी। एंड कैंडिडा अपने हस्बैंड को चूज करना, ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है कैंडिडा प्ले का। तो इस तरह से कैंडिडा प्ले का एंड होता है। आई होप कि आपको ये प्ले समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।